हेलो गाइस, डे टू के इस लास्ट पार्ट में हम जाने वाले हैं लिंगराज टेंपल, धौलीगिरी शांति स्तूप और उदयगिरी खंडगिरी। और इस वीडियो के लास्ट में पूरी भुवनेश्वर ट्रिप के कंप्लीट टूर प्लान के बारे में भी बताने वाला हूं। साथ ही ये भी बताने वाला हूं कि लिंगराज टेंपल और उदयगिरी खंडगिरी में हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई जो कि आपके साथ ना हो। इसलिए पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए और सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा यह वीडियो। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध स्थान है धौली और महात्मा बुद्ध को समर्पित शांति स्तूप, जो कि दया नदी के निकट और धौलीगिरी पहाड़ी की चोटी में स्थित है और भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 11 किलोमीटर है। धौलीगिरी पार्किंग से जैसे ही स्तूपा के डायरेक्शन में चलते हैं, सबसे पहले मिलता है एक रेस्टोरेंट और उसके पास ही एक टॉयलेट कॉम्प्लेक्स भी बना हुआ है। इस जगह तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है फ्रेंड्स लगभग 100 से 150 मीटर। इन्हीं सीढ़ियों से ऊपर शांति स्तूप तक जाना है। तो फ्रेंड्स चलते हैं महात्मा बुद्ध को समर्पित शांति स्तूप। कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद मृतकों के खून से दया नदी लाल हो गई थी और इसी घटना ने सम्राट अशोक को युद्ध की भयावहता का एहसास कराया था। तब सम्राट अशोक द्वारा इसकी स्थापना की गई और बाद में सन 1970 को बौद्ध संघ द्वारा इसका पुनर्निर्माण हुआ। जैसे ही इस स्तूप की सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं, महात्मा बुद्ध की चार मूर्तियां देखने को मिलती हैं, जिनमें से तीन मूर्तियां उनके द्वारा किए जाने वाले आसनों की है और सोई हुई अवस्था वाली मूर्ति है उनके महापरिनिर्वाण की। शांति स्तूप के ठीक पीछे की दिशा में धौलेश्वर महादेव टेंपल, जापानी टेंपल और अशोक स्तंभ भी स्थित है। यहाँ शाम 7 बजे और 7:45 को आधे आधे घंटे के दो लाइट शो भी होते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी और ओडिया लैंग्वेज में कलिंग साम्राज्य, वहाँ के युद्ध और सम्राट अशोक के जीवन के ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे साथ कुछ ट्रेजेडी हुई थी, तो आइए जानते हैं कि पहली ट्रेजेडी क्या थी। तो हम पहुंच चुके थे भगवान शिव को समर्पित लिंगराज टेंपल और ये जो क्राउड और लंबी लाइन देख रहे हैं आप, यही है पहली ट्रेजेडी। क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन था, जो कि मैंने आपको चंद्रभागा और कोणार्क वाले व्लॉग में पहले ही बताया था। इस कारण मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी, जबकि हम लोगों को पूरी भुवनेश्वर ट्रिप कंप्लीट करना था एक ही दिन में। इस कारण हम दर्शन नहीं कर पाए, तो हम सब महादेव जी से माफी मांग और उनके जयकारे लगा ट्रिप में आगे बढ़ चले। चंद्रभागा बीच, कोणार्क टेंपल, लिंगराज टेंपल, धौलीगिरी और नंदन कानन घूमने के बाद शाम 6 बजे हम पहुंचे उदयगिरी और खंडगिरी।
दूसरी ट्रेजेडी ये हुई थी फ्रेंड्स कि 5 बजे तक यहाँ के गेट हो जाते हैं बंद और इसी कारण कुछ स्टूडेंट्स भी अंदर की तरफ लॉक हो गए थे। तो आपको भी टाइमिंग का रखना है पूरा पूरा ध्यान। उदयगिरी के सामने रोड के दूसरी तरफ है खंडगिरी। तो आइए फ्रेंड जानते हैं डे टू के प्लान के बारे में। चंद्रभागा बीच में लगेंगे आपको 1 से 1.5 घंटे, कोणार्क टेम्पल में 3 घंटे, लिंगराज टेम्पल में 2 घंटे लेके चलिए, धौलगिरी में 1 से 2 घंटे लगेंगे, नंदनकानन में 3 घंटे या फिर इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर आप बोटेनिकल गार्डन घूमते हैं और सफारी भी घूमते हैं तो। उदयगिरी खंडगिरी में लगेंगे आपको 2 घंटे। अगर आप अच्छे से सभी जगह घूमना चाहते हैं तो ये एक दिन में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आप 3 दिन पुरी में पूरा घूमिए, 4th दिन चंद्रभागा, कोणार्क और लिंगराज टेम्पल घूमते हुए भुवनेश्वर में रुकिए, फिर बाकी जगह घूम के भुवनेश्वर से ट्रेन या फ्लाइट पकड़ सकते हैं। या फिर इसको आप उल्टा कर लीजिए, पहले भुवनेश्वर में रुकिए और भुवनेश्वर की सारी जगह घूमने के बाद फिर पुरी जाइए, वहाँ घूमिए और फिर वहाँ से ट्रेन आप पकड़ सकते हैं। मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे हमारे टूर से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।